My name is Firza Wasim and I am your statistics instructor. अच्छा भाई, इससे पहले वाली वीडियो जो थी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा. मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर होता है, और वहाँ पे थोड़ा सा टाइप वन एरर का भी बल्कि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट वहाँ पे दे दिया था. ठीक है, तो अगर उसको अच्छी तरीके से समझना है कि 5% क्या होता है, 10% क्या होता है, और 1% क्या होता है और क्या लेना चाहिए, ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ. आप लोग जाके अच्छी तरह समझ सकते हो. क्यों? क्योंकि आपका जो ये जो अल्फा होता है ना, प्रैक्टिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अल्फा का ही काम होता है. चाहे आप 6 स्टेप्स करो हाइपोथेसिस के या फिर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह निकालो, बट मीनवाइल आप लोगों को ये जो दोनों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने जरूरी हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. देखो बेटा, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर क्या होता है, पहले तो ये देख लो कि एरर क्या होता है. एरर जो है एक गलती होती है, यानी बाइजेस हम जिसे बोलते हैं. ठीक है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं, यानी हम सब में वी ऑल आर फुल ऑफ एरर्स. ठीक है, एरर कहीं कहीं अच्छे भी होते हैं, यानी हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, कहीं कहीं बहुत अगर बढ़ जाएं तो वो सीवियर भी हो जाते हैं. और ऐसे ही कुछ सीवियर जो है, इन दोनों में से कोई एक एरर है जो कि स्टैटिस्टिक्स को यानी उसके आपके एनालिसिस को इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, अब ये जो वीडियो है मेरी, ये बीकॉम बीएससी लेवल के लोगों के लिए भी है और इससे हाई लेवल के लोगों के लिए भी है जो कि प्रैक्टिकली एनालिसिस को कोडिंग के थ्रू करते हैं. ठीक है, और रिसर्च वर्क जो करते हैं. अच्छा जी, आते थे अपने पॉइंट पे. देखो पहले हमारे पास होता क्या है, इन सबको समझने से पहले, कि भाई हमारे पास एक डाटा होता है जिसपे हम क्या करते हैं, यानी ये रहा हमारा डाटा, और जिसमें हम करते हैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट. जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके दो आउटकम्स निकलते हैं. पहला आउटकम आपका होता है नल, ठीक है, जिसको आप नल हाइपोथेसिस बोलते हो, और दूसरा आउटकम आपका होता है आपका ऑल्टरनेटिव. पूरा नहीं लिख रही मैं, ठीक है, नल एंड ऑल्टरनेटिव. अब बात यहाँ ही आती है कि ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है. तो भाई मेन फोकस आपका इसी पे ही रहता है, बट इट कैन बी ट्रू, ठीक है, और इट कैन बी ट्रू. ठीक है, यानी ये भी ट्रू हो सकते हैं, ये भी ट्रू हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी. बट कंक्लूजन किसको लेके देते हो आप लोग, इसको, एच नॉट को. ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम सीख रहे हैं टाइप वन और टाइप टू एरर. तो अगर हमने क्या बोलते हैं एनालिसिस किया, और एनालिसिस करते किस तरीके से हैं, यानी देखो एनालिसिस से भी पहले क्या होता है, डाटा कलेक्शन होती है. कलेक्शन में आप क्या चीज़ देखते हो कि हमें एविडेंस किस चीज़ का मिल रहा है, यानी रिजेक्ट एक्सेप्ट जो करोगे इसमें कोई ना कोई रीज़न की बेसिस पे करोगे ना, तो वो किस बेसिस पे होता है, वो आपकी जो है एविडेंस की बेसिस पे होता है. तो इस तरीके का ये चार्ट बन जाता है. सॉरी, ये है आपका, ठीक है, एविडेंस, यानी जिस चीज के ज्यादा एविडेंस मिलेंगे आप क्या कर दोगे, उस चीज को रख लोगे या फिर उस चीज को रिजेक्ट कर लोगे. अब देखना ये है कि किस चीज के एविडेंस मिलता है और उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलता है. तो इसी तरह अगर आपको कोई भी एविडेंस मिला और आपने एक डिसीजन ये लिया कि भाई मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता हूं, जबकि मेरा नल क्या है, ट्रू है, यानी बंदा सही है. ठीक है, बंदा ट्रू है, आपने क्या कर दिया, उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये गलती हो गई. ठीक है, सही बात है, गलती हो गई. तो ये कौन सी गलती हो गई, ये एक वो गलती हो गई जिसको हम टाइप वन देंगे, टाइप वन का नाम देंगे, तो टाइप वन एरर, और जिसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से. अब आ जाओ टाइप टू एरर पे. तो टाइप टू एरर आपका क्या होता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ टाइप टू एरर का, कि भाई एक बंदा गलत है, सही है, यानी वो मुजरिम है या वो गलत है, और मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी समझ लो ये गलत बंदे को आप अपने घर लेकर आ गए. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक गलत चीज हो गई. ऑब्वियसली ये क्या है, एक एरर बन गया. तो ये कौन सी टाइप का एरर बन गया, आपका टाइप टू एरर बन गया, जिसको आप बीटा से डिनोट करते हो. ठीक है, अब मुझे एक बात बताना कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सीवियर होगा. सीवियरिटी के हिसाब से देखिए कि कौन सा ज्यादा संगीन एरर है, गलती है, यानी अगर वो ज्यादा हो जाए तो हमारे क्योंकि देखो कंक्लूजन हो रहा होता है, ये कोई मजाक नहीं है. अगर आप सिर्फ मैन्युअली छोटा मोटा काम करते हो ना, तब की हद तक तो ठीक है. क्यों? क्योंकि वो मार्क्स
तक जाता है आपके जस्ट, और वो सिर्फ आप पेपर में करके आते हो. लेकिन अगर इसको प्रोफेशनल्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो इस चीज को समझें कि टाइप वन और टाइप टू एरर बहुत ज्यादा अहम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर बताऊँ कि देखो यहाँ पर आपका एच नॉट है और इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है, और आपका एच नॉट जो है हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम मैंने एक अजम्पशन क्रिएट की कि द मार्केट will going to be या will be crash, ठीक है, और इसी का अल्टरनेटिव will not कर दो, ठीक है, सही है. तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका कंक्लूजन देने में टाइप वन एरर क्रिएट कर देती हूँ तो मुझे नुकसान क्या होगा. मुझे नुकसान इस तरीके से होगा अगर इसको मैंने बोला देखो आपका क्या है, आपका नल हाइपोथेसिस है द मार्केट विल गोइंग टू बी क्रैश, ठीक है, और इसको इस एच नॉट को अगर मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, जबकि ये ट्रू था, यानी मार्केट क्रैश हो जाती ये ट्रू था, बट मैंने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया और ऑटोमेटिकली मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया, द मार्केट विल नॉट गोइंग टू बी क्रैश. इससे आपका जो है ना तो टाइम बचा, अगर मेरा सही कंक्लूजन हो जाता कि भाई मैं इसको रिजेक्ट कर देती जबकि ये चीज गलत ही थी, यानी नल मेरा गलत ही था कि मार्केट क्रैश हो रही है और ऐसा नहीं था, यानी ट्रू जो चीज थी वो ऐसी नहीं थी और मैंने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट भी कर दिया. सो व्हाट इज दैट, दैट इज माय पावर. तो वो पावर और कॉन्फिडेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो भी है, वो मैं आप लोगों को इससे अगली वाली वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगी और इनके कंपैरिजन करके समझाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रोफेशनल्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए इस चीज को, ठीक है. तो अब इससे होता है क्या, आपका टाइम बचता है, आपका मनी बचता है और जो क्या बोलते हैं आपके पास जो स्किलफुल लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो करेक्ट डिसीजन से बहुत से आपकी बचत हो जाती है. अब देखो मैंने बात की थी सिवियरिटी में, तो सिवियरिटी के हिसाब से टाइप टू एरर जो है ना वो ज़्यादा सिवियर है, यानी अगर ये बढ़ जाए तो समझ लो आप दोबारा से करो अपना टेस्टिंग, क्योंकि फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है. यानी एविडेंस आप दोबारा से कलेक्ट करो, उतने एविडेंस कि आपका कंक्लूजन सही निकल कर आ सके ऑन द बेसिस ऑफ योर सैंपल साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन. यानी देखो अब क्यों सिवियर है, भाई एक गलत आदमी है, ठीक है, यानी एक कोई भी चोर है, आप क्या करते हो उसको अपने घर पे लेकर आ जाते हो, सही है, वो वाली चीज ज्यादा खतरनाक है या ये वाली चीज कि भाई एक गलत आदमी है, ठीक है, उसको आप जाने देते हो, छोड़ देते हो, यानी रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से समझो. क्यों, क्योंकि देखो हम लोग किस कॉन्सेप्ट से समझते हैं, हमेशा बच्चे हो या जो भी हो, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू, ये इस तरीके से समझते हैं. इसको आप बोलते हो कंफ्यूजन टेबल बोलते हो, ठीक है, इसको बोलते ही कंफ्यूजन टेबल है. बट मैं ये रिकमेंड करती हूँ बेटा इससे नहीं समझो, इससे आप बुक से देख के आपको जस्ट समझना है, यानी अपने MCQs करने हैं और पेपर के लिए करना है तो खैर वो ठीक है, बट उसके लिए भी इस तरीके से समझना ये कॉन्सेप्ट जो है ये जरूरी है आपका. तो सिवियरिटी के हिसाब से क्या हो गया कि भाई गलत चीज को आप अपना लेते हो, गलत हैबिट अपना लेते हो, तो वो वाली चीज जो है आपको बहुत नुकसान देती है. जबकि आप एक गलत हैबिट को यानी बहुत सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसको आप नहीं अपनाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता, ठीक है, यानी आप अगर उसको रिजेक्ट कर देते हो, सो दैट इज कॉल्ड द टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर, ठीक है. तो ये ज्यादा सिवियर है, अगर ये बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको संभाल नहीं पाते. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट लगानी पड़ती है, अपना सैंपल साइज और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है और ज़्यादा हमें सर्वे करना पड़ जाता है और इतनी हमारे पास कॉस्ट नहीं है, मनी नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं कि हम इसको जो है फिक्स कर देते हैं और इसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है. तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपकी इसकी कंपैरिजन में पावर एंड कॉन्फिडेंस को भी डालकर और मैथमेटिकली इनको कैसे निकाला जाता है वो समझाऊंगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.